सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्र बलिदान नमस्ते। गृहीतो ग्रह चक्रे दुष्टो दुष्टवसुंधरे
वराहि रूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते नरसिंहरूपेण उग्रेण हन्तो दैत्यांकितोत्तमे त्रैलोक्ये त्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते कीर्तिनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राण हरे जिन्धे नारायणि नमोस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हत दैत्या महाबले गौररूपे महाराजे नारायणि नमोस्तुते दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे दुरे धुरे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूतिभावविदामसे नियते त्वंवसी देशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते हे धत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमज्जोग्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नोर्भीतिर्भद्रकाले नमोस्तुते हिनस्ति यद्यसेयासि स्वनेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवे पापेभ्यो नासुदानिव असुरासुपङ्कचर्यतस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतानतामयाम् अरोगा न लेशानपहांसि दुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलान् अवेष्टान् त्वामां न विपन्नानाम् त्वामाशिधायाम् भयन्ति एतकृतं जगदनं त्वयाध्यां धर्मान् दुषां देवि महासुराणाम् अरोपेरनेकैरभवतात्मबोधे कीर्ताम्भिकेतत्प्रकृतिकान्यां भिद्याशुधात्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वकेषु जगादलन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि शत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रानिरोदस्य बलानि यत्र धावाणलो यत्र तथाभि मध्ये तत्र त्रिधातं परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपाशि विश्वम् विश्वात्मिकादारयते विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोदभीते नित्यं यथा सुलभदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्यासो उत्पाकपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रन्दणं प्रसीदतं देवी विश्वादिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव दिव्योवाच भरताहं सुरगणां बलं जन्मनजे च त्वं प्रयत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाजो सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच देवस्वयन्तरे पादे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भोणि शुम्भसेवान्यमुत्पस्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवः ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याजननिवासने पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण मृतवेतरे अवतीर्यहनिष्यामि वैपजित्ता सुदानवान् भक्षयन्ता सुदानुग्रहं वैपजित्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमेकसमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा सुबन्धो वा भविष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्
भूयाशोषकवासिकामणामृत्यामणामृते मुनिभिः संसुधावो वा सम्भविष्यामिदोरिया तथा शुभेन नेत्राणाम् निगृहीष्यामि जन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनयः शताक्षेमिति मां ददा ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह सम्भवे भरिष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणदारके शाकम्भरीति विज्ञातम् तदा यस्यामहम् भवे तत्रैव च पदिष्यामि दुर्गमाज्ञाम् महासुरम् दुर्गा देवीति विज्ञातम् तन्मे नामाप्रविश्यति पुनस्याहम् च दादेवम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनाम् दानकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे दोषम् ध्यानम् प्रबोधयः भीमा देवीति विख्यातम् तन्मे नामाप्रविश्यति जगाख्यश्रीलोके महाभागम् करिष्यति तदाहम् ब्राह्मणम् रूपम् कृत्वा शङ्गेश पदम् त्रैलोक्यस्य हि धाताय पतिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणेति च माम् लोका तदा शोषन्ति सर्वतः इत्थम् जला यदा वादा सानुभूता भविष्यति तदा तदा वरीयाहम् करिष्याम्यरि संशया ओ संकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समाज देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका क्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत धाम सम प्रभा मृग पदे स्कंधाम कन्या विकर्वार खेद विरसत हस्ताधिरा से विदाम हस्ते
अस्याहं सकलाम्बादां नाशयिष्यामि संशयां मधुकेतमनाशं च महिषा दुर्गातनं कीर्तयिष्यन्ति चेद्वद्वत्पदं शम्भनिशम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतुकः शोचन्ति देवदेवता मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं केचे दुष्कृतोऽथा न जापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न देवैतव्योजनम् शत्रुतो न वयं तस्य दर्शितो वा नरायतः न शस्त्रो योगा कदाचित् भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहभ्यं पठेतभ्यं समाहिते श्रोतभ्यं च सदा भद्रा परं स्वस्य उपसर्गान् शेषासु महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महान्तं समयेन मम यत्रैरत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा मोक्ष्यामि सान्निध्यं दत्तमेतिदम् बलिप्रधाने भूयायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वं मले सैचैतमुच्चार्यं चाप्यमेव च जानता जानता पापे बले भोजां तदा कृताम् प्रतिशेष्यामि अमृता पन्निहोमं तदा कृताम् शर्तकाले महापूजा क्रियते याजवार्षिके तस्यामेतन्माहभ्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहभ्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च शुद्धेषु जायते निर्भया पुमान् हरिपुमः संशयं जाते कल्याणं च उपबध्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्मसां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने गृहपीडासु शोग्रासु माहात्मसेयाम उपसर्गः शमं जाते गृहपीडासु दारुणा दुःस्वप्नं च निर्दुष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृह विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्री करुणमुत्तमम् दुर्भित्तानां शेषानां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवराजनम् सर्वं ममेदं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाष्टधूपे च गन्धदीपे तदोत्तमे विभ्राणां भोजने होमे प्रोचनीरे हर्णजम् अन्ये च विविधे भोगैः प्रदाने वत्सलेन या प्रीतिर्मेदेशते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयश्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनाङ्गेति न मम युद्धेषु च सञ्जन्मे दुष्टदित्यनिबर्हणम् तस्मै सुदेवे कृतं भयं पुंसां न जायते युष्मावेषु देवो या च याशु ब्रह्मार्जवीकृता ब्रह्मणा च कृता सासु प्रयच्छन्ति शिवामते अरण्ये प्रान्तरे पापे धावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वापिता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्न जातो वा फणे वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो मध्यो वन्दगतो विवा आहूर्णितो वा भातेन स्थितः भूते महान्नवे पदसो चाभिषस्येषु सङ्ग्रामे विषधारणे सर्वभाषासु घोराशु वेदनाव्यापितोऽपि वा सम्रह्ममे दैचरितं नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मां प्रभावा सिंहाजादस्य भो वेदिनास्तदा दूरादेव पलायन्ते सदश्चरितं मम ऋषिरवाच इति उक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरदीयत ते अपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारा यदा परा यज्ञपादपुजा सर्वे चक्रविनिहतायः देत्याश्चरेभ्यः निर्देशम्बे देवरिपायते जगद्विध्वंसने तस्मै महोघ्रेतुरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पादालमायुः
एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरु देवोप जगतः परिपालनम् त्वयि सन्मोहयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साजाचिराज विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छतिम् व्याप्तं सकलं ब्रह्माण्डमरयेश्वरम् महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपयाम् सेवकाले महामारे देवसृष्टि विवर्त्याम् स्थितिं करोति भूतानां देवकाले सनातनी भवकाले नाम सेवा लक्ष्मी वृद्धि पदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे धूमगन्धादिष्टताम् ददाति वित्तं मुद्रा च मदे धर्मे गदे शुभा अथ सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचं न गला स्तोत्रं केतकं न रहस्यकम् न सुखं नाभिधानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं भवेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयनेव पार्वते मारणं मोहनं वैश्यं सम्पदोचाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं जों स्वः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं लं 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 स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषासिने नमस्ते शुभहन्ते च निशुम्भासुरघातने जागृतमिहि महादेवे जवं सिद्धिं करोष्यमे हेङ्कारे सिद्धिरूपाय हेङ्कारे प्रतिपालिकाम् क्लिङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च हेकारे वरदायिनी विच्छेदावैधा नित्यं नमस्ते मन्दरूपिणीम् धां धीं धूं दुर्यदे पर्णे भां मे भूं वागदेश्वरे प्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां क्षीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिणे झं 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 वरादिने भ्रां भीं भूं भैरवे वच्चे भवाने दे नमो नमः अं गं जं टं गं पं यं षं भीं धुं हें भीं हं षं द्रियाघ्रं द्रियाघ्रं त्रोरय त्रोरय देवतं गुरु स्वाहा पां भीं भुं पार्वतीपो नाम खां भीं घोंघे जले तथा सां से सुं सप्तशले देव्यां मन्दसिद्धिं करोष्यमे इदं दोगुञ्जिका स्तोत्रं मन्दजाघृतिहेतवे अभक्तेनैव धातव्यं गोपिलं रक्ष्य पार्वतीं जास्तु गुञ्जिकया देवीं हीनां सप्तशतीं वरेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया तद्धराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्बे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्बन्धपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहिदुर्गे नमस्ते जगदेन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहिदुर्गे अनादस्य दीनस्य भयादस्य भेदस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारगते नमस्ते जगत्तारिणी ग्राहि दुर्गे
सर्वे राज गेहे प्रभाते त्वमेका गतिर देवि निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे अपारे महादस्तने नन्दघोरे विपस्वाखरे वाजगां देहबाजां त्वमेका गतिर देवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे नमस्कन्धिकेन्द्रदुर्दण्डनीलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नभन्दोहर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहि दुर्गे त्वमेका सदारादिदासत्यवादि अनेकार्खिलाक्रोदनाक्रोदनिष्ठा इलाभिङ्कलादन्दुशमनाञ्जनानि नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भेमनादे तदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूति सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिगणपराणां ज्ञानिभिः पीडितानां पदे गृहगतानां धर्षविश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रदेन श्रीभगवति स्तोत्रम् जय भगवति देवि नमो वरदे जय महाविनाशिनि Yeah.
अपराध सहसाने ह्रियन्ते हर निज मया धर्मी मत क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विदर्शना पूजामेव न जानामि क्षम्यताहं परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जरेजरी जत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं ददातु मे अपराधजलं नेत्वा जगदं भेदिजोजरे जां गतिं समवापनोति नादां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप त्वां जगदम्बिके इदानीमनुगम्यो जधे जधे तथा कुरु अध्यानादिष्मते प्राञ्जः जञ्जोनमधिगम्यताम् तत्सर्वं गम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सचिदानन्दवे गृहे ध्यानमामृत प्रसीद परमेश्वरि भूयाति भूयगोपीनां गृहाणां समर्पितां जपाम् सिद्धिर् भवतु मे देवि त्वत्प्रसादा सुरेश्वरि सचियां ज्योत हरी माता तेरी सलाही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण वाली माता तेरी सलाही जय सबको सद्बुद्धि देन वाली माता तेरी सलाही जय सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से ये प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है और इसी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश जी संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं ब्रह्मा सृष्टि करते हैं भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव जो हैं जो संहार का कार्य करते हैं और जब तक भगवती कृपा ना हो तब तक ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी जो है वह लोल नहीं सकता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम भक्तों का बार बार नमस्कार है जो माँ भगवती आदि शक्ति इस चरचर जगत में मंगलमय शक्ति के रूप में भाषित हो रही है वह भगवती हम भक्तों का कल्याण करें हमें शक्ति संपन्न करें हम भक्तों की सब ओर से रक्षा करें हम सबका कल्याण करें उस भगवती
आदिशक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। अन्य देवता भी जो है इसी शक्ति की उपासना करते हैं, माँ की साधना करते हैं। इतने ही नहीं, देवते भी जो है इसी माँ की उपासना करते हैं। दानव, ऋषिमुनि, मानव सभी जो हैं, और जब साधक जब भक्ति करता है तो माँ की उन पर कृपा होती है, और माँ की जिन भक्तों पर कृपा हो जाती है फिर उनके समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। जिन पर जो माँ जो है प्रसन्न हो जाती है, जिन पर जो भगवती जो है हृदयश्री, जिन्हें इस माँ भगवती हृदयश्री का जो है आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो माँ जो है जो भावना की भूखी है, भावे विदे देवा तस्मात भावो ही कारणम। माँ जानती है आपके हृदय की, आप घर से चलें तो बिना इसके बुलावे को यहां पर आ ही नहीं सकता। और जो भगवती जो है उन भक्तों के हृदय की जो है वह सब जानती है। माँ से भला और कौन हो सकता है जो बच्चे के हृदय की भली प्रकार जान सकती हो। बच्चा जब बोल नहीं सकता, रोता है, तो माँ जान जाती है इसे क्या कष्ट है। भूख लगी है इस समय तब रो रहा है, प्यास लगी है तब रो रहा है, या फिर कोई कष्ट हो रहा है, कोई विपत्ति, कोई ऐसी कष्ट है उसे तब रो रहा है। बस सब जान जाती है, ऐसे जो समय रोने का नहीं। और जी क्यों रो रहा है, अवश्य जो है इसको कोई ना कोई कष्ट है, उस कष्ट को माँ ही दूर करती है। साथ ही आधी रात क्यों ना हो बच्चा क्रंदन करता है तो माँ ही उस समय उठ करके उसे संभालती है और कोई नहीं। इसलिए कहा है कि माँ का ऋण जो है कोई बेटा चुका नहीं सकता। और माँ जो है ये वास्तव में सर्व तीर्थमयी माता, माँ जो है ये सर्व तीर्थमयी है। और जो भक्तजन अपने घर में अपने परिवार में माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल और देवताओं का आशीर्वाद जो है वह प्राप्त हो जाता है। अर्थात देव कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। जिस घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं वहां पर देवी देवता ही प्रसन्न रहते हैं। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को प्रसन्न नहीं करते, वो कितनी बार जब माँ के दरबार में आए, कितनी बार मत्थे टेके हैं, परंतु जो माँ उन पर प्रसन्न नहीं होती, जो यही कहती है घर में तो माता पिता को पूछता नहीं और जहां आकर के मुझे प्रणाम करता है, इसलिए मैं इसका प्रणाम स्वीकार नहीं करती। इसलिए जो है माता पिता की सेवा ये अद्भुत फल होता है इसका। और जो भगवती हृदयश्वरी जो सबके हृदय की जानती हैं, और जो भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से भगवती के शरणागत होकर के माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, यकीन मानिए माँ की हमेशा उन पर कृपा बनी रहती है। यदि जीवन को कष्ट आए तो उसमें भी जो है मां की कृपा ही होती है। वह भला करना चाहती है, आपसे भक्ति करवाना चाहती है, आपका कल्याण करना चाहती है। आप देखेंगे पांडव के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी विपत्ति आई, द्रौपदी के जीवन में कितने कष्ट आए, मां सीता के जीवन में कितने कष्ट आए। शायद हमारे जीवन में ऐसे कष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया, भक्ति नहीं छोड़ी। और जो है जहाँ पर धर्म का पालन होता है, जहाँ पर शास्त्र विहित में होते हैं, वहां पर जो है जो भगवती सदा सर्वदा उन भक्तों की रक्षा करती है, उनका बाली भंग का नहीं होने देती। बोलो सच्चे सर्वस्वरूप सर्वेशी सर्वशक्ति समन्वित देवेश्वराय नौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करो। तुम्हारे चरणों में हम सभी भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं।
एतत्ते भदनम सौम्यम लोचन त्रय भूषितम पातु न सर्वीति कात्यायनी नमस्ते। हे माँ कात्यायनी, जो तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा जिस सौम्य मुख जो है, जिस सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें हम सब भक्तों का हृदय से नमस्कार है। माँ भगवती के नौ रूप हैं, जिनकी आप विशेष नवरात्रों में जो है नौ दिन जो है साधना करते हैं, इस जगजन्य की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वह नौ रूप जो है इस प्रकार से ही, प्रथम शैल पौत्रे च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुशमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद महाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि ते महाघोरी चम नवम सिद्धि धात्रे च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। वो दुर्गा माता की जय। ये दुर्गा के नौ रूप है और इनका जो बड़ा ही विशेष महत्व है, जो तो प्रतिदिन भगवती की आराधना करते ही, परंतु नवरात्रों में जो विशेष शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचक दिन होते हैं, हम रोगों से मुक्त रहें, हमें धन शक्ति की प्राप्ति हो, विद्या बुद्धि ज्ञान शक्ति की प्राप्ति हो, अन्य सभी शक्तियों से हम संपन्न होकर के हमारे सब कार्य जो है माँ के आशीर्वाद से सभी सिद्ध हो, ऐसी जो कामना ऐसी प्रार्थना माँ से की जाती है, तो जी छह महीने जब नवरात्र आते हैं, नौ दिन जो साधना करते हैं, तो छह महीने का हमें ऐसी शक्ति ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है, वह छह महीने भली प्रकार से, क्योंकि ये वास्तव में वार्षिक पूजा है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो है ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था और उसी दिन जो है भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार जो है वह धारण किया था। तो कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे तो समय ओम का ही नाद हुआ था और वेद का पहला अक्षर भी ओम ही है। ओम में जो है सब प्रकार की शक्ति जो समाहित है, जे आ उर महा, जे तीन शब्द जो है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब कुछ इसी में विद्यमान है और ओम जो है जो मंत्र से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, ओम वास्तव में मंत्र की शक्ति होती है और यदि ओम का ही कहते हैं कि जप किया जाए तो उसे जो है सभी वेदों का फल जो है वह प्राप्त हो जाता है। आपको ध्यान करना, ध्यान लगाना है, मन को एकाग्रचित करना है, तो प्रातःकाल सायंकाल जो है ओम का नाद कीजिए तीन बार, सात बार, ग्यारह बार, इक्कीस बार, जितना आप कर सकते हैं लंबे स्वर से, उसके बाद जो है आप अपना पाठ करें, माँ से प्रार्थना करें, फिर जो है जब पाठ समाप्त हो जाते हैं तो अंत में फिर ओम का नाद करें उतना ही जितना प्रारंभ किया है। तो भाई आपका पाठ जो है जो विशेष जो है वह विशेष परम सिद्धि को देने वाला होगा और भगवती की विशेष कृपा होगी और कभी कोई त्रुटि भी हो जाती है, कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने से वह त्रुटि वह भूल भी जो है वह दूर हो जाती है। इसलिए ओम का जो बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है, जब भी माँ की साधना करें तो ओम का उच्चारण अवश्य करें, माँ की आरती करें, माँ की जोश जगाएं, परिवार एकत्रित होकर के, क्योंकि जब परिवार सारा इकट्ठा होकर के माँ की आरती करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, कहीं कोई कष्ट आई विपत्ति आई है, ऐसे संकट काल में जो है जब परिवार इकट्ठे होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं तो परिवार के जो भी सदस्य जिस पर संकट आया है वह संकट माँ दूर करती है, क्योंकि बच्चों की परिवार की जो भगवती विशेष रूप से उनकी सुनती है। और फिर जे माँ भगवती का दरबार, जे कल्प वृक्ष ही जिसके चरण बैठने से मनुष्य की समस्त मनोकामना जो पूर्ण होती है, वह जो जो भी चिंतन करते हैं उनकी वह समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है
और उनके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि जो है जे बनी रहती है, उनके सभी कष्ट दुख जब दूर होते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। रोगान शेषण अपहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तो अमास दान उत्पन्न राणाम तो अमास शैतम प्रचंति। रोगान शेषण अपहंस तुष्टा तुष्टा जब जब भगवती तुष्ट होती है प्रसन्न होती है सब विपत्तियों का सब रोगों का नाश कर देती है सुख देती है। और जब जे रुष्ट तो कामान सकलान विष्टान जो रुष्ट हो जाती है कोविद हो जाती है नाराज हो जाती है तो सभी मनवांछित कामना को भी नाश कर देती है, जो भी उसकी कामना होती है वह कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए भक्त जन जो रात्र माँ की भक्ति करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ इस सृष्टि को चलाने वाली आप हो, इस सृष्टि की कारणभूता आप हो, पृथ्वी रूप में भी आप ही विद्यमान होकर के इस जगत को धन करती हो। स्कंद के लिए अब रोष्ट होती है थोड़ी सी पृथ्वी हिल जाती है तो हाहाकार मच जाता है। हर स्थान पर हर क्षण हर पल जो है आप भक्तों की रक्षा करती हो दोस्तों का नाश करती हो। इसलिए मां की पूजा मां की आराधना जब दैत्य भी करते हैं उन्हें भी मां उस भक्ति का उस साधना का उस आराधना का उस तप का जो है वह फल देती है। और फल क्या होता है भक्ति का सुख शांति आत्म शांति सब ओर से रिद्धि सिद्धि होती है। और वह लोग जो हैं धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और जब उन देवताओं को अभिमान हो जाता है अहंकार हो जाता है तब जय भगवती किसी न किसी रूप में देवताओं की प्रार्थना करने पर स्वयं जो किसी रूप में किसी न किसी रूप में प्रकट होती है और जो है देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करती है। वह देवते जो है जब माँ के आशीर्वाद से माँ की भक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वे देवताओं को दुख देते हैं तो माँ रुष्ट होती है। जब माँ रुष्ट होती है वे समस्त मनोलक्षित कामनाओं का नाश कर देती है सर्वनाश। मैं प्रातःकाल बतला रहा था कि रावण ने भी इसी भगवती कात्यायनी देवी की आराधना की थी और माँ ने वरदान भी दिया था। मैं क्योंकि रावण ने उसे वरदान मांगा था जब भक्ति से मां प्रसन्न हुई भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शिव और भगवती जगदम्बा जो है ये जगत के माता पिता हैं, दोनों को प्रसन्न कर लिया। और जिनके माता पिता प्रसन्न हो उसके जीवन में किस प्रकार की कमी हो सकती है। और रावण जैसा भी सृष्टि पर संसार में कोई ऐसा विद्वान नहीं था जिसको चारों भेद जो है कंठस्थ थे शिवशास्त्र कंठस्थ थे। ऐसा इतना विद्वान जो था जब सब प्रकार की शक्तियां संपन्न हुआ तो अहंकार हुआ देवताओं को दुख देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो है जब शक्ति संपन्न होने लगा तो मैं आ जाती अहंकार आ जाता है और वही अहंकार जो है विनाश का कारण होते हैं कि अब तो मैं इन शक्तियां संपन्न हो चुका हूं आप तो इस संसार में मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी। वह अपने पड़ोसियों को दुख देना शुरू कर देता है या किसी को। और ऐसे लोगों का जब अहंकार आता है वह ज्यादातर उनका धन जो है कोर्ट कचहरी में वहीं पर भय होता है। अच्छे कार्यों में यदि उनको कहीं को लगाने पड़े दो पैसे तो कभी नहीं जी हम नहीं लगा सकते हमारे पास है नहीं। कभी भिखारी जो आ जाए कि दो रोटी के लिए निवेदन कर दें नहीं नहीं हमारे पास नहीं है कुछ भी सबको होते भी कुछ नहीं। परंतु जो कुछ हमें प्राप्त होता है संसार में आकर के होता है और जो कुछ हमने प्राप्त किए है ये हमारी जो है कोई महानता नहीं है जो उसी की कृपा है। जिसको यश मान देना जाती है उन पर कृपा करती है उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है अच्छे रास्ते में चलाती है और हर स्थान पर उनकी रक्षा करती है कभी उनका बुरा नहीं होने देती है कभी उनका अमंगल नहीं होने देती क्योंकि जो भगवती जो है हमेशा उन भक्तों की रक्षा करती हैं जो कभी अहंकार नहीं करते। महिषासुर निर्णय से भक्ता नाम सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि
महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली माँ, आप हमें रूप दो, यश दो, मान दो, कीर्ति दो, और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि इन शत्रुओं का नाश करो। हमारे शत्रु क्या है? ये शत्रु हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, दिखाई देते नहीं, दृश्य रूप में सबके शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, देखने में लगता है बड़ा शरीफ आदमी है, इसको पांच साथ में नहीं आते। जब जैसे ही एक पल के लिए क्रोध आया तो अनर्थ काल देता है, एक पल के लिए लोभ आ गया तो पूरे जीवन भर जो है जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। क्योंकि धन जो है ये सुखदायी है, धन भी एक मर्यादा में जो है अर्जित करना चाहिए, नहीं तो मर्यादा से बाहर जब धन होता है पर दुखदायी होता है। आप देखते हैं आए दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, इसलिए एक मर्यादा में मां से यही प्रार्थना करें, भगवती वास हम आपके शरण में ही, आप जो उचित समझें वह करें, हम आपकी शरण में। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज माँ भगवती की जो नौ रूप है, नौ रूपों में माँ भगवती का छठा रूप जो है जो कात्यायनी देवी का है। आज के दिन साधक जन जो है अपने मन की स्थिति को जो है आज्ञा चक्र में जहां पर स्थित करते हैं, जो ज्ञान चक्षु होता है, हम जहां पर तिल करते हैं प्रतिदिन जो है, और बहुत सारे लोग जो है इससे मजाक भी लेते हैं, क्या जी तिलकधारी पंडित आ गया जी। तृतीय नेत्र की जो है जो पूजा होती है, हमारा जो ज्ञान चक्षु जो ठीक प्रकार से काम करे, ठीक प्रकार से निर्णय करे, क्योंकि जब हमारा ज्ञान विकृत होता है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, तो ये व्यक्ति जो है कष्ट में संकट में आ जाता है। जब ज्ञान जो है हमारा जब बुद्धि जब प्रखर हो, और जब बुद्धि तभी प्रखर होती है जितनी माँ की भक्ति करोगे, जितनी माँ की भक्ति करोगे तो उसी प्रकार से माँ की कृपा होगी आपकी जी, बुद्धि जो है आपका जो ज्ञान शक्ति उसी पर। कहते हैं कि जब बच्चा देखो जी एक बार बात सुनता है इसको याद हो जाती है, वो क्या है उसका जी तृतीय नेत्र जो होता है ज्ञान चक्षु जो हमें दिखाई नहीं देता, वो जब खुल जाता है और खुलता है उसकी कृपा से, तो फिर तो उसका अंदर का ज्ञान जो है ये प्रस्फुटित होता है, अंदर का ज्ञान। पोथी का ज्ञान तो सब लोग पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, चार दिन नहीं किताब देखेंगे तो फिर सारे का सारा भूल जाएगा, परंतु जब अंदर का ज्ञान प्रकट होता है, वह ज्ञान चक्षु जो है वह खुलता है, फिर उसके अंदर की पोथी जो है वह खुलती है, उसे कहीं देखने की जरूरत नहीं, कहीं सुनने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अंदर ही सारे निर्णय होते हैं, क्या करनी है क्या करनी है, क्या उचित है क्या अनुचित है, शास्त्र भेद कर्म क्या है और अशास्त्र भेद कर्म क्या है। तो इसलिए कल्याण का मनुष्य को जो है धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस शक्ति की उपासना जो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और उन शक्तियों को देने वाले यही भगवती ही, और सभी शक्तियों से संपन्न जो है ये भगवती ही, देवता भी इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो माँ कात्यायनी जो है इसका कात्यायनी नाम जो था ये कैसे पड़ा, कत नाम के ऋषि हुए हैं और कत के घर में जो पुत्र हुआ उसका नाम जो था कत्य था, कत और कात्य, और कत्य के घर में जो पुत्र हुआ वह विश्व प्रसिद्ध जो है कात्यायन ऋषि हुए, और ये ऋषि जो थे जे भगवती के अनन्य भक्त उपासक थे। कहते हैं कि बहुत समय तक जो है कात्यायनी ऋषि ने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को जाने के लिए बड़ी घोर तपस्या की, तब किया उनका जो संकल्प था कि माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, उसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, वह माँ जगदम्बा मेरे घर में पुत्री के रूप में आए। जब माँ जब भी आती है किसी के घर बेटी के रूप में आती है, और जिस घर में बेटी का मान सम्मान है, जब तीन रूपों में लक्ष्मी जी घर में आती है प्रत्येक गृहस्थ में, एक तो बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में। बहू जब घर में आती है सब कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई, उसको स्वागत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं,
और जब जो है उसके चरण पड़ते हैं, यदि आपका भाव ठीक है तो उस घर में रिद्धि सिद्धि हो जाती है। जब उनका सम्मान ही नहीं होता है तो बार-बार क्लेश, कला, दुख, परेशानियां, लड़ाई, झगड़े ये सब उत्पन्न होते हैं। और वहां पर धन जितना मर्जी आ जाए कभी जो है उनकी पूरी पड़ती ही नहीं। तो ये तीनों जो है लक्ष्मी के रूप में जो है प्रत्येक ग्रस्त में आते हैं और जिन तीनों का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उस घर में जो भगवती लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, आत्म शांति देती है। फिर जो हम जो भक्ति करते हैं, भगवती के नाम का जप करते हैं, आत्म शांति मिलती कैसे है? हम प्रतिदिन जो अपने जीवन चलाने के लिए प्रातःकाल उठते ही चाय पान, चाय पीना है, अब स्नान नहीं किया, उसके बाद कई बार स्नान भी नहीं किया होता तो दो तीन परौंठे भी चल जाते हैं। फिर दोपहर को नहाएंगे, फिर चल पड़ेंगे। ये मनुष्य रूपी ये चोला जो मिला है, ये इसके लिए नहीं कि संसार में आए, खाया पिया चले गए। ये मनुष्य रूपी चोला जो कुछ करने के लिए दिया गया है, वो काम हम करते नहीं। और जब वहां पहुंच सकते हो कि काल जैसे पे बैठा हुआ है और कब गले से दबा लेगा, उस समय जो है पता नहीं चलेगा, वह बात भी नहीं कर सकता अपने परिवार से कि मुझे क्या हो रहा है, जो आपको मेरे पीछे क्या करना है, वो काल मौका देता ही नहीं। इसलिए जब धर्म कर्म किया नहीं तो मिलेगा क्या? ऋषि जो थे मां को प्रसन्न करने के लिए जाने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि मां जगदम्बा मेरे घर में पुत्री गृह उत्पन्न हो, मैं उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं उसका आदर सत्कार करूं। बड़ी घोर तपस्या की, मां उस पर प्रसन्न हुई, कहते कि मां ने उसको दर्शन दिए। ऋषि ने वरदान मांगा तो मां ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे घर में पुत्री गृह में जन्म लूंगी। आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर के मां अंतर्ध्यान हुई। उधर जो महिषासुर जो था उसका तीनों लोकों में इतना अत्याचार भर चुका था कि तीनों लोग त्राही त्राही मचा रहे थे और किसी को भी दुख देने से सुख कभी मिलता नहीं। जो भली प्रकार से जान ले कि थोड़ी देर के लिए भले ही आनंद आता है, हमने ऐसा कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, लेकिन इस पाप को भोगना पड़ता है। जब फिर सृष्टि पे आते हैं, रोते हैं, हमारे हाथ काम नहीं करते, हमारे पैर काम नहीं करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे सिद्ध हो जाते हैं और अपना कोई भी कार्य, कपड़े नहीं पहन सकते, सोच जान नहीं सकते, क्योंकि उसके घर में सजा है, न्याय है, सत्य है। भगवती जो है वह सत्य रूप है और भगवती का रूप जो है जो वास्तव में जो है सच्चिदानंद रूप जो है। जो भगवती प्रसन्न होती है सबको आनंद आनंद देती है, कुबुद होती है, फिर जीवन में कष्ट दुख आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो भक्ति से, जो मैं आपको बतला रहा था, भक्ति से सब कुछ करते हैं शरीर को चलाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए, थोड़ी सी खराबी होती है, शरीर विकृत होता है, बीमार होता है व्यक्ति, जल्द से अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके इसको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं, परंतु उस आत्मा के लिए कभी नहीं सोचा है कि वह आत्मा प्रतिदिन भूखी रहती है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। कहते हैं कि धन संपत्ति की कमी नहीं, परिवार भी है, घर मकान भी है, परंतु आत्म सुख नहीं, आत्म शांति नहीं। आत्म शांति मिलेगी जी? कैसे मिलेगी? जब आपने आत्मा को भोजन खिलाया नहीं। तो आत्मा का भोजन क्या है? नाम जप। जितना जप करोगे, प्रातः काल उठकर के सायंकाल दोनों समय उसका स्मरण करोगे, आपकी आत्मा जो है तृप्त होगी, उसको अपना भोजन जो मिल जाएगा। और फिर आप देखिए, जब जब जहां जहां जाओगे आपके कार्य में कोई बिघ्न नहीं आएगा, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार से ऋषि को उन्होंने वरदान दिया। जब महिषासुर जो था उसका अत्याचार बढ़ गया, तब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो थे महिषासुर को मारने के लिए अपने अपने शरीर का तेज का अंश जो उन्होंने दिया, जिसको उस महिषासुर को मारने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। और जिस देवी की जो है कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले पूजा की थी, इसलिए इसका नाम जो था कात्यायनी पड़ा।
दूसरे ये भी कथा मिलती है कि जो भगवती ने जो वरदान दिया था वो भी सिद्ध किया था ऋषि कात्यायन का, कि अश्विन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन जो है माँ ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी और नौमी ये तीन दिन जो है कात्यायन ऋषि की पूजा जो थी वह स्वीकार की, और दसवें के दिन जो है महिषासुर का वध किया था। इससे ये भगवती जो है ऋषि के घर में उत्पन्न होने के कारण से, ऋषि पुत्री होने के कारण से ये कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। और ये भगवती ऐसी है जो सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। इसकी आराधना जो है कालंदे यमुना तट के किनारे जो है गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां की आराधना की थी, जो ब्रज की कुल देवी है, और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ऐसी जो भक्ति जिसका स्वरूप जो है चार हाथ है इसके, एक हाथ इनका जो है भर मुद्रा में ही, एक अवय मुद्रा में ही, एक हाथ में जखड़ तलवार है, एक हाथ में कमल का फूल है, और शेर के ऊपर जो भी राजमान है सिंह पर जो है, ऐसा इसका स्वरूप आज के दिन जो है इसी कात्यायनी देवी के स्वरूप का भक्तजन जो है ध्यान करते हुए आद्य चक्र में माँ को इसके स्वरूप को स्थित कर करके माँ से प्रार्थना करते, माँ की पूजा करते, माँ की कृपा प्राप्त करते। ये क्रम है नौ दिन की साधना का। एक एक दिन किसके स्वरूप का ध्यान करना और कहाँ का ध्यान करना है। जब इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के साधक माँ से प्रार्थना करते, माँ की पूजा करते हैं, तो देवी की अवश्य उन पर कृपा होती है, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और जीवन में सर्वत्र मंगल मंगल होते हैं। इस संसार में स्वस्थ सुखों का भोग करते हुए अंत में उनका परलोक भी कल्याणमय हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त उनका कीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोलने ताली बजाते होंगे श्री मनिंद्र। जयकारा श्री रावल जी दा बोले सच्चे दरबार की जय। आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। और रल के खुशी मनाइए जी, नटिए टपिए गाइए जी। और रल के खुशी मनाइए जी, नटिए टपिए गाइए जी। और रल के खुशी मनाइए जी, नटिए टपिए गाइए जी। और रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए। वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी। काली के बाद महाकृष्ण घर तक पहुंचे, एक बार से भक्त जाए अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ बताते आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर करें। सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है। शेरा वाली माँ दी पग तो सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है। ओ लाल रंग दी सोनी चुन्नी गल विच पानी है, माँ दे गल विच पानी है, माँ दे गल विच पानी है। ओहो लाल रंग दी सोनी चुन्नी गल विच पानी है, माँ दे गल विच पानी है, माँ दे गल विच पानी है। ओ चूड़िया
सोनिया रंग बिरंगिया माँ दे हथी पाइए जी चोलियाँ सोनिया रंग बिरंगिया माँ दे हथी पाइए जी वो चूड़ियाँ सोनिया रंग बिरंगिया माँ दे हथी पाइए जी वो चूड़ियाँ सोनिया रंग बिरंगिया माँ दे हथी पाइए वो आए माँ दे चेतन रात रल के खुशी मनाइए जी वो आए चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी वो आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ देवी देवता थारे आके माँ दे हाजरी पर देने माँ दी हाजरी पर देने ओ माँ दी हाजरी पर देने ओ देवी देवता थारे हाजरी हाजरी पर देने हाजरी हाजरी पर देने ओ सूरज चंदा महारानी दा रज रज दर्शन कर देने रज रज दर्शन कर देने रज रज दर्शन कर देने ओ सूरज चंदा महारानी दा रज रज दर्शन कर देने रज रज दर्शन कर दे रे हो रज रज दर्शन कर दे रे ओ एक दूजे नू देख के बधाइयां माँ दा शुक्र मनाइए जी एक दूजे नू देख के बधाइयां माँ दा शुक्र मनाइए ओ एक दूजे नू देख के बधाइयां माँ दा शुक्र मनाइए जी ओ एक दूजे नू देख के बधाइयां माँ दा शुक्र मनाइए ओ आए माँ दे चेतन रल के खुशी मनाइए जी ओ आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ ढोलक बजदे छैणे बजदे बजरियां शहनाइयां ने ओ बजरियां शहनाइयां ने बजरियां शहनाइयां ने ओ ढोलक बजदे छैणे बजदे बजरियां शहनाइयां ने ओ बजरियां शहनाइयां ने बजरियां शहनाइयां ने ओ माँ दे बच्चियां माँ दे मेरे रौनक बड़ियां लाइयां ने रौनक बड़ियां लाइयां ने रौनक बड़ियां लाइयां ने ओ माँ दे बच्चियां माँ दे मेरे रौनक बड़ियां लाइयां ने रौनक बड़ियां लाइयां ने रौनक बड़ियां लाइयां ने आओ मैया जी दे नाम दे जयकारे लाइए जी आओ मैया जी दे नाम दे जयकारे लाइए जी आओ मैया जी दे नाम दे जयकारे लाइए जी आओ मैया जी दे नाम दे जयकारे लाइए आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ऐ ना चेतन रातियाँ जेड़ा माँ दी हाजरी परदाए माँ दी हाजरी परदाए ओ माँ दी हाजरी परदाए ऐ ना चेतन रातियाँ माँ दी हाजरी परदाए माँ दी हाजरी परदाए उसदा बेड़ा पपथा कर चो छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए उसदा बेड़ा पपथा कर चो छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए ओ सारे माँ दे दर ते आके माँ दिया पेटा गाइए जी सारे माँ दे दर ते आके माँ दिया पेटा गाइए जी ओ सारे माँ दे दर ते आके माँ दिया पेटा गाइए जी सारे माँ दे दर ते आके माँ दिया पेटा गाइए जी ओ आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ आए माँ दे चेतन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ रल के खुशी मनाइए जी ओ रल के खुशी मनाइए हाँ हाँ रल के खुशी मनाइए
खुशी मनाइए जी, रल के 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 खुशी मनाइए, रल के खुशी मनाइए जी, रल के खुशी मनाइए। जयकारा श्रवणी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करीशरोजिका सच्चे दरबार की जय। भावना की भूखी है माँ, भावना की भूखी है माँ, और भावना भी एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। भावना की जय हो, जय हो। भावना की जय हो, जय हो। भावना की भूखी है माँ, और भावना एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, पर भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, पर भावना ही एक सार है। अनधन और वस्त्र आभूषण कुछ ना माँ को चाहिए। अनधन और वस्त्र आभूषण कुछ ना माँ को चाहिए। अनधन और वस्त्र आभूषण कुछ न मांगो चाहिए। अनधन वस्त्र आभूषण कुछ न मांगो चाहिए। आप हो जाए माँ का, आप हो जाए माँ का, बस पूर्ण ये सत्कार है। आप हो जाए माँ का, तो पूरन ये सत्कार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भाव बिना सुना पुकारे सुनती नहीं। भाव बिना सुना पुकारे तो माँ सुनती नहीं। भाव बिना सुना पुकारे तो माँ सुनती नहीं। भाव बिना सुना पुकारे तो माँ सुनती नहीं। भावना भावना की एक तेर भी, भावना की एक तेर भी करती मंगलाचार है। भावना की एक तेर भी हाँ करती मंगलाचार है। भावना की भूखी है माँ, पर भावना ही एक सार है। भावना है माँ, तो भावना एक सार है। भाव बिना सब कुछ दे डाले तो माँ लेती नहीं। भाव बिना सब कुछ दे डाले तो माँ लेती नहीं। भाव
सब कुछ दे डाले सोमा तेरी रही भावना से जहो भावना से जहो भावना से एक पुष्प भी भावना से एक पुष्प भी दे तुम्हारा स्वीकार भावना से एक पुष्प भी हाँ दे तुम्हारा स्वीकार है भावना तुम्हारा जो भजे उसका तो बेड़ा पार है भावना से माँ को भजे उसका तो बेड़ा पार है भावना की जहो भावना की भूखी है माँ और भावना की निकार है भावना की भूखी है माँ और भावना ही निकार है लेता है माँ की शरण जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण उसके दिल का माँ के और उसके दिल का रहता एक तार है वो माँ के और उसके दिल का रहता एक तार है भावना की भूखी है माँ और भावना एक तार है भावना की भूखी है भावना की भूखी है माँ भावना ही एक तार है भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है बांध लेते माँ को भगत प्रेम की जंजीर से बांध लेते माँ को भगत बांध लेते माँ को भगत प्रेम की जंजीर से बांध लेते माँ को भगत प्रेम की जंजीरों से तभी तो हो जाओ तभी तो इस भूमि पर तभी तो इस भूमि पर तभी तो इस भूमि पर होता अवतार है भावना की भूखी है माँ भावना ही एक तार है भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है भावना की भावना की भूखी है माँ पर भावना ही एक तार है भावना की भूखी है माँ भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है 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 जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय श्री विजय कुमार जी
जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार 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 ओ शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार ज्योति रूप में पूजी जाए 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 कन्या रूप में दर्श दिखाए 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 नवरात्रों का प्यार माँ की हो रही जय जयकार नवरात्रों का प्यार माँ की हो रही जय जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार शेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार माँ गंगा की शीतल धारा गंगा की शीतल धारा सबसे मीठा नाम प्यारा सबसे मीठा नाम प्यारा तेरा ध्यानु सेवादार तेरी हो रही जय जयकार 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 सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार शेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार मेरों वाली की जयकार वो सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार वो माँ के नाम की जोत जगा लो माँ के नाम की जोत जगा लो मन मन माँ के रंग रंगवा लो मन मन माँ के रंग रंगवा लो चाहे बैरी हो संसार माँ की होती जय जयकार चाहे बैरी हो संसार माँ की हो रही जय जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की 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 जयकार ओ शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार ओ सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार ओ सारे जग को रचने वाली सारे जग को रचने रचने वाली मरचने वाली रचने वाली मरचने वाली माही दुर्गा माही काली माही दुर्गा माही काली ओ माही दुर्गा माही काली माही दुर्गा माही काली माँ की लीला अपरंपार माँ की हो रही जय जय माँ की लीला अपरंपार माँ की हो रही जय जयकार ओ माँ की लीला अपरंपार माँ की हो रही जय जय सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार ओ शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार ओ शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार शेरों वाली की जयकार माँ का सच्चा है दरबार सारी दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार शेरों वाली की जयकार दुनिया में गूंजे शेरों वाली की जयकार शेरों वाली की जयकार शेरों वाली की जयकार
शेरों वाली की जयकार, ओ शेरों वाली की जयकार, ओ शेरों वाली की जयकार, ओ शेरों वाली की जयकार, शेरों वाली की जयकार। जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय। उत्तप्त है मरुच राम रुद चंद्र भंग, नेत्रांधनो सरजोता कुश पाश सोला, रम्मेर भुजेश धधते शिव शक्ति रूपां, कानेश्वर हृदय बजान धृतेन्दु लेखा, सच्या ज्योता वाले माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया इन बसंत नवरात्रों के छठे नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आप कात्यायन देवी के दर्शन कर रहे हैं, उसके स्वरूप का मैंने आपको पहले बतलाया है कि ऐसा भगवती स्वरूप जो है जी, आप सबका कल्याण करें, आप सबका मंगल करें और इस छठे नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से वर्धापन आशीर्वाद। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संतते भान भव, श्रीमान जसस्वे भव, प्रज्ञाभान भव, भूरिभूत करणे धाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तु, शरीरवर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात्, शुभमानम हीयते धनम धान्यं, पशुं भूपुत्र लाभं, सत्संवत्सरं दीर्घमायुः, अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों को दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्ति जन भक्ति और से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बना ताली जाते हैं। ओम जय मैया, जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी, मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय को मृगमल को जल से दौने चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, हे मैया खड्ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे
कोटि चंद्र दिवाकर स्वराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदमती ओम जय ओम वे गो मैया शोणित बीज हरे मधु कै तब दो मारे सुर भय ही न करे ओम जय अम्बे गौरी तुम कमला रानी आगम निगम बखाने तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी मैया नीच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत जमुना ओम जय अम्बे गौरी भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया भर मुदा धरी मनवाशित बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूर बाते श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल गौरी ओ मैया जय आनंद गौरी मैया जी को नित दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सद्बुद्धि ध्यान वाले माता तेरी सदा ही जय संचारी की जय तपर पूज पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय
सभी भक्तियों भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मन से प्रार्थना करेंगे समय पर बोलने देही सौभाग्यम आरोग्यम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमं सुखम देही मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि यशो देहि दुशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
शेरावाली जी दा कितना अच्छा लगता है जब आप जयकारा बोलते हो, ऐसे लगता है सच में आपको आरती का आनंद आया। आरती का आनंद आया ना आप सबको, किसी को आया किसी को नहीं आया, सभी को आरती का आनंद आया। देखो शास्त्री जी ने आपको इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई आरती के समय, आपने जो जहां पर बैठ के मां जी का सत्संग किया, मैं तो यही कहता हूं जो आपने मां की गोदी में बैठ के
ये जो तप किया आपने, आज जगत जननी माता रानी माँ कात्यायनी जी के दर्शन हैं। आप जब अंदर जाएंगे तो भगवती माता रानी जी जितना इंतजार आप कर रहे हैं ना बेसब्री से, कब पुजारी जी माइक छोड़े हम जाएं अंदर, लेकिन यकीन मानिए जो अंदर बैठी है वो मां आपसे उतनी ही ज्यादा उतावली है आपसे मिलने के लिए, आपकी खाली झोलियां भरने के लिए। आज भगवती माता रानी कात्यायनी मां जी से हम जे प्रार्थना करते हैं, जगत जननी माता रानी जी जो जहां आए हैं, जहां पूरे हमारे भारतवर्ष को भगवती माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, झोलियां खुशियों से भरना, सबकी हाजिरियां कबूल करना और अपने दरबार में आप सबको जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ भगवती माता रानी जी आपकी जिंदगी में ये मौका दोबारा लाए। आज आप जहां बैठे हैं कल आप अपने घर में होंगे, तो जब आरती का समय है, जब जयकारा लगते हैं, मां का गुणगान होता है, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं अपने घर से ऐसा जयकारा बोलिए, लेकिन पहचान जहां से मां के साथ बना के जाइए कि इतनी भीड़ में भी मां आपकी आवाज पहचान ले कौन सा बच्चा आज आवाज दे रहा है। इतनी जोर से, इतनी प्यार से और सच्चे मन से, हृदय से देखिए, बहुत दुख होते हैं, तकलीफें हैं जिंदगी में, लेकिन जब अगर हम मां की मेहरबानी याद करें तो वो दुखों से भी ज्यादा है। हमें जब खाली हो जाता है हमारा जो बैंक मां ने दिया हुआ है, वो बैंक का आपका सिर्फ खाते वाला नहीं, दूसरे भी खाते जो आप कर्म करते हैं, तो हम मां को याद करते हैं। ये विशेष दिन नवरात्रों के मां आप सबके घर में आई हुई है, तो जब हमें जरूरत होती है ना, जब हम खाली होते हैं, हम फिर मां के पास मांगने आ जाते हैं, मां दो दो जल्दी दो मांगने तो आते हैं और उसका शुक्रिया करने आते हैं जो उसने हमारे अच्छे अच्छे सपने पूरे किए हैं। मैं बहुत समय हो गया लेकिन फिर भी नवरात्रे हैं, दुनिया दे दुखां मैनू जद भी रुलाया मां। कहां जाएगा इंसान जब इंसान दुखी होता है, कौन सा ऐसा जगह है जहां से उसको आत्म संतुष्टि मिलती है, जहां पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको कोई बोलेगा, लेकिन बिना शब्दों के भी, बिना कानों में वो बोल पड़े हुए भी कैसे आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि हम मां से पास चलते हैं, वही है जो हमारे लिए सही राहें, अच्छा अच्छा आशीर्वाद देगी, हमारी झोलियां खुशियों से भरेगी। दुनिया दे दुखां मैनू जद भी सताया मां, जद भी मैनू लोड़ पई हे मां, जद भी मैनू लोड़ पई तेरे कोल आया मां, दुनिया दे दुखां मैनू जद भी रुलाया मां। एक बार मैया मेरी बिगड़ी संवार दे, गोदी बीच लेके मैनू मामा बाला प्यार दे। यही तो भावना है, मां के पास जाए, मां हमें ऐसा प्यार दे जैसे
गोदी में बैठा के हमें गोदी बीच लेके मैनू मामा बाला प्यार दे इसलिए दर तेरे दौड़ा चला आया हूं जद भी मैनू लोड़ पे हे मां जद भी मैनू लोड़ पे तेरे कोल आया मां दुनिया दे दुखा मैनू जद भी सताया मां सभी माता रानी यही भावना मां आपके दिल में बसे और हम सब मां के दिल में बसे इस विश्वास जो हम लेके आते हैं कि मां हमारी झोलियां भरेगी और वो झोलियां आपकी जरूर भरेगी अगर आप भी उसके विश्वास के काबिल रहोगे इसलिए अच्छे मां बाप बनिए अच्छी संतान बनिए इस रीति को जहां से अपने हिंदुस्तान में जिसको सोने की चिड़िया बोलते हैं वो यही पहचान थी कि हम अपने बुजुर्गों का अपने बड़ों का और अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं इस पड़ाव पर आज हम बेटे हैं कल हम माँ बाप बनेंगे तो वो जरूरत तब पता चलेगी कि हमने क्या बोया इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं जब भी अगर आप मां के अपने माँ बाप के घर में चलोगे चरणों में हाथ लगाओगे आपके लिए वो भरा हुआ खजाना जगजननी पहले ही आपके लिए तैयार रखेगी आप माथा टेकोगे आपके खजाने घरों में भरे पड़ेंगे इसलिए जगजननी माता रानी जी से आज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद सभी मिलके और पूरी धुन और जोर के साथ ऐसे जैसे हवा की लहर माँ का आशीर्वाद लेके जा रही है पूरे देश में सभी मिलके बोलना गूंज के साथ बोलो सच्चे दरबार की मेरी आवाज बड़ी है आपकी कम है वो गूंज नहीं निकली आपका माइक मातरानी ऐसे ही और बाजू वाला रखे बोलो सच्चे दरबार की बोलो सच्चे दरबार की आशीर्वाद जय माता दी जय माता